नहीं जा सकता कि आप जलपुर में जा रहे हैं या आप दर्शन करने जा रहे हैं। किसी भी जलपुर के वाले को ये नहीं कहा जाता कि आप लाइन में लगे जाएंगे। जलपुर में वाले सीधे ग्रीन कल से जो गेट बना हुआ है मैदान है वहाँ से जा करके वो स्नान करते हैं और उसके बाद जला विजय करते हैं। बहुत से कोई लोग हैं नए लोग हैं आए हैं जिनको नहीं पता है कि क्या हो रहा है। हम किसी व्यक्ति की ये बात संभव नहीं है, हो सकता है तो सौ लोग लाइन में लग करके पहले जलपुर में स्नान किए हो उसके बाद फिर लाइन में लग करके ये हो सकता है कि मेरी व्यवस्था में चीज़ें हो सकती हो। लेकिन ये जलपुर में जाने से किसी को रोका नहीं गया है। जलपुर जाने का मेरा कहने का मतलब है कि जलपुर जाने के ढेर सारे मार्ग हैं वो खुले हुए हैं और लोग जलपुर में जाकर विश्राम करते हैं। हमारे जो लाइन में लगे हैं मैंने नहीं देखा कि जो लाइन में लगे हैं लाइन तोड़ करके, क्योंकि लाइन तोड़ने का कहीं तो जगह स्थान नहीं है। लाइन में लगे हुए ये हो सकता है कि जिन्हें जलपुर में गए वो दर्शन कर लिए हो, ऐसा नहीं है कि जलपुर में गए फिर निकले फिर लाइन लगे। तो पहले से लोग किसान की समस्या हो सकती जहाँ लाखों में जा रहा हो तो थोड़ा सा ये सब चीज़ें स्वाभाविक रूप से है, इसे हम लोग को स्वीकार करना पड़ेगा। इस व्यवस्था को इतने लोग आ रहे हैं तो वो सबके साथ सबको बिल्कुल एक जैसी व्यवस्था स्थापित करना संभव नहीं है। मैं हमारे आदरणीय जिलाधिकारी महोदय से मैं अनुरोध करूँगा कि सबकी बात आप लोगों ने आपने सुना और इस संबंध में जो भी आपको अपनी तरफ से सुझाव निर्देश मिला है तो मैं आपको अनुरोध करता हूँ। प्रभारी निखिल मोदक मूल भारतीयों संस्थाओं के उपक्रमों के सम्मानित और अधिकारी हूँ। मेला प्रसाद के सम्मानित जन मेरी ओर पहली चीज को मुझे जो यहाँ वक्ता जितनी हमारे सम्मानित वक्ता है पहली शिकायत तो ये है उनसे कि सबने तक कोई बार सब नहीं आए हैं, सीओ साहब नहीं आए हैं, कई हो गए तो शिकायत अपनी रख क्योंकि आप हमसे अपनी शिकायत रखो तो हम भी अपनी रखते हैं। दूसरी चीज यह है कि कोयला जो कहवा है भोलेनाथ की जो नगरी है छोटी काशी कहलाती है इसकी तारीफ भी सबने खूब की, जबकि वास्तव जो गोला मारता है वो गोला मय हो जाता है, जो गोला मय हो गया वो नया कैसे रह गया। और फिर हम लोग तो ऐसे हैं भाई कि अभी देखेंगे तो आपको मिलेंगे जब आप ही जाएंगे तो शिवम वाले पे मिल जाएंगे, अंदर घुसोगे तो मंदिर पे भी दिखाई दे जाएंगे। तो हम लोग तो ये जिनको ढूंढो करी करी वो घर से पिछवाड़े मिले जहाँ जाओ दिखाई देंगे, समझ गए। पहले पूछते हैं कि जो हमारे पुलिस स्टाफ ने और हमारे जो पुलिस मित्र थे उन्होंने पिछले संभाव में कोशिश की है, इसमें कोई सच्ची बात बहुत ही बदले की पात्र है, बहुत ही अच्छी धोती की। मैं काफ़ी तारीफ करता हूँ उनकी, हालांकि हमारे पुत्रा साहब ने स्टाइल में बात कही थी कि कुछ लोगों को सोशल मीडिया पर चीज़ें वायरल की, फोटोग्राफ वायरल किए तो मैं स्पष्ट कर दूँ इन चीजों को कभी अनुसार नहीं लेना चाहिए। ये प्रभु रामचंद्र जी के समय से आलोचनात्मक कार्रवाई होती नहीं है और आलोचना होनी चाहिए, जब तक आलोचना नहीं होगी तब तक हमें सुधार नहीं होगा। इस समय अपनी गलतियों को अवलोकन करने का मौका मिलता है, कहीं कोई कमी है नहीं हो उस कमी को दूर करने का मौका मिलता है और हमें मजबूत होने का मौका मिलता है। ऐसे जो साथी हैं उनका भी अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने हमें मजबूत होने का मौका दिया है, अपनी कमी को दूर करने का मौका दिया, उनकी भी मैं तारीफ करता हूँ और उनका अभिनंदन करता हूँ। सही बात जिस उद्देश्य हम लोग यहाँ पर आए हैं लेकिन एकत्रित की गई है वाकई कि हमारे मुस्लिम भाइयों का तकलीफ का त्यौहार है सौहार्दमय वातावरण में है, शानदार के रूप प्लास्टिक है, भूमि खुशी करते हो, रक्षाबंधन का त्यौहार है, वही भूमि खुशा संपन्न हो और हमारा जो राष्ट्रीय पर्व सुधार का दिवस है वो भी अच्छे तरीके से संपन्न हो। ये प्रथा चंद्रवासी रही है बीती करने की। जब मैं मेला में गया था तो हमारे पुत्रों ने कहा कि जनपद की इस प्रकार का कस्बा है जिसमें शांत समिति की नीति करने की जरूरत ही नहीं है, कभी कोई ऐसी बात ही नहीं हुई, फिर बाकी गठबंधन में प्रसन्नता हुई लेकिन
समस्या यह जब तक हिंदू में की जरूरत नहीं पड़ती और हम लोग भूल में रह जाए चलो तो दूसरे जनता में पहुंचती हो और मीटिंग करना ही भूल जाए तो हमारी आदत बनी रहे भूल में जाए आदत बनी रहे इसलिए लोग मैं चाहता हूँ मीटिंग करते रहते हैं कि यहाँ जरूरत नहीं है या दूसरी जगह जरूरत पड़ो तो क्या करेंगे बात उनसे छूट गई एक छोटी सी छोटी जल्दी तो नहीं आप लोगों को नहीं वो जल्दी नहीं सुन रहे हैं किसी को ऐसा ही काम हो कि तुरंत की जरूरत करना है मेरी बात थोड़ी लंबी हो जाती है ऐसा एक बार हुआ ये तो इंद्रदेव जो दर्शन करते हैं वो रुष्ट हो गए एक बार उन्होंने अपने बादलों से आदेश दिया कि पानी बरसाना बंद करो तो इंद्रदेव का आदेश क्या मजा लगे बादल नहीं माना बादलों ने पानी बरसाना बंद कर दिया तो एक किसान था वो क्या करता था जमीन सूखी हो गई दरारें पड़ गई कुछ भी पैदा होता था चारों त्रहित रही तो एक किसान रोजाना अपने बैल लेके जाता था खेत में रोजाना हल लेके जाता था और सूखे खेत में हल को चलाता था एक दिन बादल आए उन्हें इंद्रदेव आए